गुड मॉर्निंग आप सभी को, फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज भी सुबह बारिश दिया, छत से फिर मेरे पैर में बारिश गिरा हमारा बिस्तर के ऊपर। और हस्बैंड अभी गया हुआ है बाजार करने, क्योंकि सब्जी नहीं है। देखते हैं वो क्या क्या लाता है। फिलहाल काफी देर हो गया गया हुआ, तो अभी शायद आ जाएंगे। और तो मैं बैठ के पानी पी रही हूँ, हस्बैंड आने के बाद बोलते हैं। Na debu morshay ay mukila boka najnaela what will eat कल तो ऑफिस से आते आते हस्बैंड लेट हो गया था, और अभी बाजार से आके हम लोगों ने सुबह का खाना भी खा लिया, और अभी यहाँ छत पे आए हैं देखने, क्योंकि हमारे रूम में जो पानी गिर रहा था हमारा बिस्तर के ऊपर, वो देखने आए हैं। इस एरिया में है हमारा बेडरूम। ठंगना ये पानी का बूंद देखिए, पूरा छत पे दिखाई दे रहा है, यानी आप सभी को। कल इतना ज्यादा नहीं था, आज थोड़ा ज्यादा हो गया। आज तो 3-4 जगह में हो गया। सुबह सोने के टाइम मेरे पैर में टुप टुप करके गिर रहे थे। तो देखती हूँ क्या करूंगी, इसका कुछ तो सलूशन निकालना पड़ेगा। और अभी मैं नीचे आ गई हूँ करी पत्ता तोड़ने। सोचा आज करी पत्ता का पकौड़ा खाएंगे, और अभी लंच का तैयारी शुरू कर देती हूँ। वैसे अभी लंच नहीं बनाऊंगी, फिर भी सोचा थोड़ा रेडी करके रख देती हूँ। और धूप भी निकल गया है, तो मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है, और तो इसमें नमक और थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाला है। आज हम लोग पूरी खाएंगे, हस्बैंड बोल रहे थे वो पूरी खाएंगे बोल के, तो मैंने यहाँ पूरी बनाने के लिए यहाँ आटा ले लिया, जिसे भी मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे गर्म पानी, पूरा गर्म नहीं है, थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अभी इसका आटे का डो बना के रख देंगे। अभी तो फिलहाल 12:30 ही बजे हैं, हम लोग 2:30 के आसपास खाना खा लेंगे, लंच कर लेंगे। फिर भी सोचा अभी रेडी करके रख देते हैं, तो बाद में बनाने में थोड़ा ईजी होगा। और हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं, ऑफिस के काम से बाहर गया है, तो वो आने के बाद खा लेंगे लंच। और यहाँ पे मैंने पकौड़ा के लिए प्याज काट लिया है, और छोटा छोटा करके ये हरी मिर्च। रोज तो सिर्फ करी पत्ता अलग से बना के खाते थे, फिर सोचा आज तो प्याज के साथ मिक्स करके पकौड़ा बना के खाएंगे। और यहाँ करी पत्ता तो पहले ही मैंने धोके यहाँ ला लिया था, और अभी इसका एक एक पत्ता निकाल रही हूँ। पहले तो इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और करी पत्ता भी निकलना हो गया है। और तो इसमें मैंने नमक डाला है, फिर ये काला जीरा और हरा मिर्च जो पहले ही काट के डाला था, और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और अभी इसमें मैं बेसन डाल दूंगी। बेसन सिर्फ एक चम्मच से डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा बेसन खाना पसंद नहीं है। जो प्याज और करी पत्ता चिपक जाए, सिर्फ उस अमाउंट में ही मैंने बेसन डाला है। हस्बैंड ऑफिस का काम से बाहर गए हुए थे, वो भी वापस आ गया है, तो अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। पहले से ही मैंने दाल भिगा के रख दिया था, मिक्स दाल बनाऊंगी, जिसके लिए पहले ही भिगा के मैंने छोड़ दिया था। अभी इसे कुकर में सीटी दूंगी, जिसके लिए मैंने सिर्फ नमक दिया है और कुछ नहीं दिया, और इसे 2-3 सीटी देने तक पकाऊंगी। और इस साइड में मेरा दाल भी बन रहा है, मिक्स दाल भी, और दूसरा साइड में यहाँ मैं पूरी के लिए यहाँ बेल रही हूँ। मुझे अच्छे से बेलना नहीं आता है, मेरा गोल गोल नहीं होता है, फिर भी काम चलाने लायक कर लेती हूँ। कभी कभार अच्छे से हो जाता है गोल करके, कभी कभार इंडियन मैप बन जाता है। तो प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना रोज फ्रिक्वेंट में रोटी भी नहीं खाते, पूरी भी नहीं खाते, फिर भी कोशिश करती हूँ। तो ये मैंने पूरी चढ़ा दिया है, सबसे पहला पूरी ये फूल गया है पूरा। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला, फिर भी अच्छे से फूल गया है। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया था पहले ही, इसलिए अच्छे से पूरी फूल गया है बिना बेकिंग पाउडर के भी। तो अभी मैं पूरी बनाना शुरू करूँगी, जल्दी जल्दी से बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को भी भूख लग रहा होगा। तो ये अभी इसका पकौड़ा बनाएंगे। मैंने जो पूरी बनाया था, पूरी बन गया है, उसका बचा हुआ तेल में ये मैं पकौड़ा बनाऊँगी, प्याज और बेसन का पकौड़ा।
और दूसरे चूल्हा पे अभी जो मिक्स दाल मैंने बॉईल किया था कुकर पे उसका तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ प्याज लिया है, टमाटर लिया है, इसे मैं मिक्स दाल को फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले तेज़पत्ता दे दिया, फिर ये मिर्ची इसे थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेंगे मिर्ची और तेज़पत्ता को इसका फ्लेवर निकालने के लिए। और यहाँ प्याज डाल दिया है मैंने, प्याज को और थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर टमाटर दे दिया और यहाँ हल्दी दिया है, फिर जीरा दिया है, नमक तो पहले ही दे दिया इसीलिए नमक बाद में टेस्ट करके डालूंगी क्योंकि पहले बॉयल करने के टाइम में दिया था। और यहाँ थोड़ा सा मैंने मिर्ची का पाउडर दे दिया है और ये दाल जो बॉयल किया था हल्दी नहीं दिया क्योंकि कलर अच्छे से नहीं आ रहा है, अभी अच्छे से कलर आ जाएगा यहाँ डालने के बाद। ये भी सुंदर लग रहा है, देखने में टेस्टी लग रहा है। तो अभी थोड़ा इसे बॉयल करने के लिए छोड़ेंगे। हस्बैंड को मिक्स दाल रोटी के साथ खाना ज़रा पसंद है, चावल के साथ बहुत कम खाते हैं। देखिए देखने में तो टेस्टी लग रहा है, पता नहीं बाद में खा के पता चलेगा। और ये सब्जी तो रेडी हो गया और दूसरे चूल्हा पे यहाँ पकौड़ा बन रहा है, जो प्याज और करी पत्ता का पकौड़ा। और यहाँ पकौड़ा भी रेडी हो गया है, तो हमारा लंच रेडी हो गया है, अभी सिर्फ खाना बाकी है। और हस्बैंड को तो बहुत भूख लग रहा था, बोल रहे थे मुझे सुबह थोड़ा जल्दी ही हम लोगों ने खाना खा लिया था जिसकी वजह से उसको ज़्यादा भूख लग रहे थे। फिर भी कोई नहीं, अभी रेडी हो गया है। और आप लोग कॉमेंट कीजिएगा कैसा लगा मेरा सब्जी का रेसिपी, मिक्स दाल का और ये करी पत्ता का पकौड़ा। रोज तो सिंपल प्लेन पकौड़ा खाते हैं, आज तो प्याज के साथ मिक्स करके पकौड़ा बनाया है। हस्बैंड बोल रहा था, मैंने पूछा रोटी खाएंगे या पूरी खाएंगे, तो काफी दिन हो गया पूरी नहीं खाया था, तो हस्बैंड बोला पूरी बनाओ, तो इसलिए पूरी बनाया आज। तो अच्छा अभी हम लोग भी खा लेंगे वरना पूरी ठंडा हो जाएगा। मैं यहाँ शाम का चाय रेडी कर रही हूँ और आज तो ये ग्रीन टी नहीं है, दूसरा कलर का है। आप लोग देखिएगा ये इसका क्या कलर निकलता है। और फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ नहाने, नहा के फिर मैं शाम का दिया भी जलाना है, उसके थोड़ा अभी नहा लूँगी। तो आप लोग कलर देखिए कैसा कलर निकलता है एंड में। जो मुझे पहले से देख रहे हैं उन सबको तो पता है कि मैं चाय का शौकीन हूँ, और तो इस बार मैंने ब्लू टी ऑर्डर किया है। कल डिलीवर हुआ, कल एक बार पिया, टेस्टी है, ग्रीन टी के जैसा ही है, थोड़ा इसमें स्वीटनेस ज्यादा है ग्रीन टी से, सिमिलर ही है ग्रीन टी के जैसा। इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी बाद में, मैंने कहाँ से लिया है। तो हस्बैंड को तो पसंद है, यहाँ पे एक स्मोकी फ्लेवर आता है, जो हम लोग बेम्बू में चाय बनाते हैं विलेज में, वैसा टाइप का थोड़ा एक फ्लेवर आता है। हस्बैंड अब नहीं पियोगे? हाँ रेडी हो गया तो हस्बैंड तो पी के खत्म होने वाला है। सर दिखा दो कलर आपका, आपको कैसा लगा आप लोग, आप बोल दो थोड़ा सा। वो शायद पहले वाला ग्रीन टी से थोड़ा मीठा है, ग्रीन टी से थोड़ा ज्यादा मीठा है, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर मिल रहा है जो हम लोग बेम्बू में बनाते हैं ना गाँव में। मेरे फादर इन लोग को बहुत अच्छा लगेगा पापा को, है ना, क्योंकि पापा को जब ग्रीन टी लेके गए थे हम लोग, पहले भी पीते थे बोला, लेकिन मिडिल में नहीं पिया, तो हम लोग लास्ट जो मैं रेगुलर पीती हूँ यहाँ पे ग्रीन टी, तो हस्बैंड भी पीता है नो डाउट, तो हाँ बिटर कम है। हाँ हम लोगों ने पापा के लिए भी इस बार ऑर्डर किया है, जब ये ब्लू टी ऑर्डर किया है तो पापा के लिए भी पैकेट ऑर्डर किया है, तो इस बार जब जाऊंगी तो लेके जाऊंगी, शायद से पापा को अच्छा लगेगा, है ना। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, आपका एक लाइक एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। मैं जब देखती हूँ कि हाँ इस वीडियो में इतना लाइक मिल रहा है, ये कमेंट मिला है, तो एक मोटिवेट फील करती हूँ।
तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जिस जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना हस्बैंड। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।